जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए एवं रुद्राक्ष धारण करने का क्या लाभ है। दोस्तों रुद्राक्ष शिव स्वरूप है, यह अत्यंत पवित्र तथा शिवजी को परम प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन स्पर्श तथा जप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। विद्वानों ने रुद्राक्ष के चार भेद कहे हैं, श्वेत रक्त पीत तथा कृष्ण। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जाति अनुसार वर्ण के रुद्राक्ष को ही धारण करे। मुक्ति के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि वे रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। जो शिव भक्ति शिव और शिवा की प्रीत पाने के इच्छुक हों उनके लिए तो रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य ही है। श्रेष्ठ रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़े आकार का माना गया है। बेर के फल के समान आकार वाले रुद्राक्ष को मध्यम तथा चने के बराबर आकार वाले रुद्राक्ष को अधम माना जाता है। बेर के बराबर आकार वाला रुद्राक्ष सौभाग्य की वृद्धि करता है तथा आंवले के समान वाला रुद्राक्ष संपूर्ण अरिष्टों का समन करता है। घुंघची के आकार वाला रुद्राक्ष सर्वार्थ सिद्धिदायक माना गया है। दोस्तों रुद्राक्ष जितना ही छोटा होता है उतना ही अधिक फलप्रद होता है। रुद्राक्ष को पाप नाश के हेतु धारण किया जाता है। अतः संपूर्ण अर्थों की सिद्धि चाहने वाले को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इस संसार में रुद्राक्ष की माला जितनी फलप्रद माला है और कोई भी माला नहीं है। समा स्निग्ध हठ स्थूल तथा कांटों वाले शुभ रुद्राक्ष कामनादायक तथा मुक्ति प्रदायक होते हैं। कृमियों के खाए हुए छिन्न भिन्न कांटे रहित गोलाई रहित तथा व्रण युक्त रुद्राक्ष त्याग देने योग्य है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो उसे सर्वाधिक सर्वोत्तम माना जाता है। परंतु जिस रुद्राक्ष में मनुष्य के द्वारा छिद्र किया गया हो उसे मध्यम समझना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से सब प्रकार के महापाप भी दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को चाहिए कि वह मद्य मांस प्याज लहसुन सहजना तथा श्लेष मंतक वस्तुओं आदि का सेवन न करें। ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण, वैश्यों के लिए पीत वर्ण तथा शूद्रों के लिए कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना हितकर होता है। सभी वर्ण के गृहस्थ स्त्री तथा यतियों को भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। त्रिपुंड धारण करने वाले जटा धारण करने वाले तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले प्राणी कभी भी यमलोक को प्राप्त नहीं होते। रुद्राक्ष की माला पर मंत्र का जप करने से करोड़ गुना पुण्य मिलता है तथा रुद्राक्ष को धारण करने से करोड़ गुना पुण्य होता है। पंच देवताओं की उपासना करने वाले को रुद्राक्ष की माला पर ही जप करना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष सभी देवताओं को प्रिय है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले व्यक्ति के समीप भूत प्रेत पिशाच डंकिनी संकिनी अथवा अन्य द्रोही जीव भूल कर भी नहीं जाते हैं। रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर शिव विष्णु गणेश सूर्य तथा अन्य देवतागण प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्षधारी व्यक्ति शिव जी को परम प्रिय है। अतः प्रत्येक शिव भक्त को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोस्तों यह रुद्राक्ष संबंधी जानकारी शिव महापुराण में वर्णित तथ्यों के आधार पर है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें एवं अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।
राधे राधे, हर हर महादेव।